सच में गाइस, ग्रैंड हयात की तो कोई बात ही ना करे, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है और ये 5 स्टार है, तो एकदम इसकी बनावट एकदम अलग है। ये पूरे गोवा में इसके जैसी बनावट आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी एक पिक्चर कहीं पे भी देख लेंगे ना, किसी भी मोबाइल में या कहीं पर भी, तो आप समझ जाएंगे ये ग्रैंड हयात का व्यू है। ये देखिएगा आप, इसकी बनावट देखिए, छत की बनावट देखिए आप किस तरीके से की गई है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है यहाँ पर पूरे गोवा में, सबसे ज़्यादा मुझे यही लगा है 5 स्टार। ये देखिएगा पतले रास्ते होते हुए और वहाँ पर हम लोग पहुँच ही गए हैं बस पास में ही, क्योंकि यहाँ पर 2 व्हीलर ही पहुँच ही सकती है। आप लोग देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड एरिया है। और ये देखिएगा बस पहुँचने वाले हैं हम लोग। भाई शाम का समय हो और समुन्द्र का किनारा हो, क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, सच में गाइज मन एकदम अलग हटके हो गया। सारी चिंताएं, सारी तकलीफें जो भी हैं, सब कुछ भूल के वहाँ पर अगर आप 1-1.5 घंटे वहाँ बैठ जाते हैं शाम के समय में, तो सच में गाइज बहुत ही आपका मन एकदम अच्छा हो जाएगा। और ये देखो, मैं तो मस्त हो चुकी थी पूरी तरीके से। समुद्र की ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी वहाँ से ना। और यहाँ पर हम लोग जो आगे की तरफ देख रहे थे कि कहीं बैठने की जगह मिले, तो वहाँ पर कहीं ऐसा जगह नहीं मिली हमें। हम आपको ये चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी होटल है, रिजॉर्ट है, जितने उसके पीछे का है, ये आपको मैं जहाँ का व्यू दिखा रही हूँ बम्बोलिम बीच का। और हम लोग जाते भी हैं आगे, बट वहाँ पर कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। ये देखिएगा चारों तरफ रेत ही रेत है, और जिस जो और भी बीचेस हैं उन सब की तरह ये बीच नहीं मिलेगा आपको। ये देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं आप सभी, ये देखो। और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं उसी सीढ़ियों के पास बैठकर, और हम लोग यहाँ पर मिर्ची पाव खाने लगते हैं। और मिर्ची पाव खाने के बाद मेरे बेटू को भी भूख लगी थी, तो मेरे बेटू ने यहाँ पर भी मिर्ची पाव खाया और एंजॉय किया उसने। क्योंकि हम लोग जब कभी भी शाम को बीच पर जाते हैं तो मिर्ची पाव या बड़ा पाव हम लोग लेकर जरूर जाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत एंजॉय भी हो जाता है और हम लोगों का थोड़ी बहुत देर बैठना भी हो जाता है इसी बहाने से। और मैंने एक और ले लिया है, मुझे भूख लगी है तो मैं एक और ले ले रही हूँ। देखो भाई, शाम के समय समुद्र के किनारे व्यू लगता ही कुछ और है। जब समुद्र की जो लहरें हैं ना एकदम टकराती हैं ना, अलग ही आवाज़ आती है और मन को बहुत शांति देती है। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, शाम होने वाली है और बस ये देखो यहाँ पर कोई भी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। और अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं, और ये देखो मेरा बेटू साथ में है, आगे आगे वो चल रहा है। और ये देखो अंधेरा भी हो चुका है पूरी तरीके से, बस हम लोग घर की तरफ अब निकल ही रहे हैं। और ये देखिएगा गाइस, ग्रैंड हयात का जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।